दोस्तों, मणिपुर में हो रहे दंगे और हिंसा पूरी मानवता को काफी शर्मसार करने वाले हैं। भारत के इस राज्य में जो कुछ भी घटनाएं हुई है वो काफी दर्दनाक और दुखद है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि मणिपुर भारत का एक राज्य है और इस राज्य की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है। ऐसे में हमें दूसरे किसी भी देश के बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर ये बात भारत के कुछ पार्टनर देशों को समझ नहीं आ रही कि उन्हें हमारे आंतरिक मुद्दों पर दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो मणिपुर में हो रही घटना और हालात को काबू के लिए भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच चर्च और क्रिश्चियन का मुद्दा उठकर यूरोपियन पार्लियामेंट में मणिपुर के मुद्दे पर डिबेट की गई, जिसके बाद भारत के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हुआ और इसमें कई ऐसी बातें कही गई जो नहीं कहनी चाहिए थी। पर इंपीरियल माइंडसेट से ग्रसित देश ये बात आज भी नहीं समझ पा रहे कि भारत एक स्वतंत्र देश है और हमारे आंतरिक मुद्दों पर कमेंट करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि यूरोपियन पार्लियामेंट में इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद ब्रिटेन के पार्लियामेंट में मणिपुर के मुद्दे पर डिबेट बिठाई गई और भारत की आलोचना तक कर दी गई। बता दें कि ब्रिटेन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की एक अधिकारी ने चर्च और क्रिश्चियन लोगों का मुद्दा उठाते हुए भारत पर कई आरोप लगाए जो सरासर गलत है और इनका कोई भी सर पैर नहीं। बता दें कि ब्रिटेन की तरफ से ये आरोप तक लगाए गए। मणिपुर में हो रही हिंसा पूर्ण नियोजित है और जानबूझकर एक समुदाय विशेष के खिलाफ इस तरह की हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो काफी गुस्सा दिलाने वाला बयान है, क्योंकि भारत के आंतरिक मुद्दे पर सबसे पहले तो इन देशों को कोई बयान ही नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर ये बयान दे भी रहे हैं तो बजाय भारत का समर्थन करने के ऐसे बयान दे रहे हैं जो हालात को और भी ज्यादा खराब कर सकते हैं, जो इन देशों में मौजूद इंपीरियल और वाइट सुप्रीमेसी विचारधारा को साफ तौर पर दर्शाता है। इतना ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन की तरफ से आए ये स्टेटमेंट काफी नहीं थे कि कुछ समय पहले अमेरिका में भी इस बात पर डिबेट की गई और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने मणिपुर में हुई घटनाओं को पूरी मानवता के लिए शर्मसार बताया और भारत को हालात जल्द से जल्द काबू करने की दी। अब अमेरिका की तरफ से भारत पर एक समुदाय के खिलाफ हमला करने का आरोप तो नहीं लगाया गया, पर फिर भी उन्होंने हमारे आंतरिक मुद्दे में हमें नसीहत देना सही समझा, जिसे भारतीयों के तौर पर हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे मणिपुर हो या बंगाल हो या फिर राजस्थान, ये सारे ही राज्य भारत के हिस्से हैं और इनमें होने वाली कोई भी घटना भारत सरकार के अंतर्गत आती है। ऐसे में अगर धर्म या समुदाय को लेकर दुनिया का कोई भी देश भारत पर बयान देता है तो इससे न सिर्फ भारत की एक कमजोर छवि बनेगी बल्कि देश के अंदर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से भारत न सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन पर भी काफी गुस्सा है, क्योंकि ऐसा कोई पहला इंसिडेंट नहीं जब इन देशों ने हमारे आंतरिक मुद्दों पर बयान दिए हो। हम सालों से देखते आ रहे हैं कि चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या फिर CAA का, इन सभी मुद्दों पर यूरोपियन देशों और अमेरिका की तरफ से कई बयान दिए गए जिन्हें भारत ने खंडित भी किया, पर इसके बावजूद भी ये देश अपनी हरकतों से बाज आते नहीं दिखाई पड़ रहे। लेकिन इन देशों की दोगली नीति तो तब सामने आती है जब खुद इनके ही रीजन में दंगे भड़कते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फ्रांस को देख सकते हैं कि कैसे फ्रांस में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिन्होंने कुछ ही समय में भीषण दंगों की रूप ले लिया। बता दें कि फ्रांस में हुए दंगों की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर काफी डिबेट देखने को मिली, लेकिन किसी भी देश ने इन पर बड़े बयान नहीं दिए। यहां तक कि जब फ्रांस में चर्च को आग लगा दिया गया और फ्रांस नागरिक बदले की कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, तब भी अमेरिका या ब्रिटेन की तरफ से एक भी बयान सामने नहीं आया। हद तो तब हो गई जब फ्रांस ने दंगों से तंग आकर कई बड़े कदम उठाए और अपने देश में सड़क पर नमाज समेत कई ऐसे विवादित सर्विलेंस कानून को पास कर दिया जो यूरोप की प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी के नियमों को सीधे तौर पर बाईपास करते हैं, जिसके तहत फ्रांस सरकार अब अपने किसी भी नागरिक के मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक्सेस करके उसके माइक्रोफोन, GPS और कैमरा का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकती है। पर इतने कड़े कानूनों के सामने आने के बाद भी किसी भी यूरोपियन या अमेरिकी देश ने फ्रांस के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया, जो इन देशों का दोगलापन साफ तौर पर दिखाता है। हालांकि फ्रांस ने जो ये कदम उठाए हैं ये हम बिल्कुल भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ये कदम अपनी सिक्योरिटी को और अपने देश की सुरक्षा के लिए उठाए हैं। लेकिन यही देश भारत के छोटे से छोटे मुद्दे पर भी हमें नसीहत और ज्ञान देने आ जाते हैं। लेकिन जब यही हालात और भी ज्यादा बदतर तरीके से फ्रांस, स्वीडन, इटली और दूसरे यूरोपियन देशों में पैदा होते हैं तो एक भी पश्चिमी देश के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। ऐसे में दोस्तों, आपके हिसाब से मणिपुर के मुद्दे पर इन देशों का बोलना सही है या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।